ओम सी कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार टॉपिक, और वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। और आपको मैं बता दूं, आईआईटी हो मेंस हो, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड में मैं करके दिखाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स का। जितने भी ग्राफ होते हैं, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, सारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। साथ ही ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, देखिए, आप जब क्लास 11th में थे तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया था काइनेमेटिक्स, है ना। और उसमें आपने गतिकी में क्या पढ़ा था कि कोई भी गाड़ी है, अगर वो जमीन पे चल रही है तो उसका वेग कितना है। मान लीजिए कोई गाड़ी टी बराबर 0 समय पर निकलती है और टी बराबर 10 मिनट में कहीं पहुंच जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि टी बराबर 5 सेकेंड पर वो उसका वेग क्या था, उसकी उसकी चाल क्या थी, है ना, उसने कितनी दूरी तय की, आपने ये सारी चीजें निकाली थी, है ना। तो बात करें केमिकल काइनेटिक्स में, तो हम यहाँ पे हम रासायनिक रासायनिक की बात करेंगे, और यहाँ पे हम अभिक्रियाओं के बारे में सारी बातें सीखेंगे। अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग उसका वेग देखेंगे, है ना, वगैरह जो भी होगा उसके लिए। तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक बलगति में पढ़ना क्या क्या है। तो रासायनिक बलगति में हमें क्या करना होता है, यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग या मैंने लिखा है दर, ये याद रखिएगा। जैसे आप जब फिजिक्स पढ़ते थे तो वहां एक शब्द आपको मिलता था वेग, लेकिन यहाँ पे वेग के स्थान पे क्या मिलेगा, दर। लेकिन अगर वेग मिला तब भी वही आप वही समझेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा या हम बोले दर होगा, एवं उसके प्रभावित, उसको प्रभावित करने वाले कारक, इस वेग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं। अगर आप देखें सांद्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सांद्रता। तो सांद्रता वो फैक्टर है जो अभिक्रिया के वेग या दर को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसी के साथ आपका ताप है, ताप भी जो होगा आपका वो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, दाब। इन सबके बारे में पढ़ना है, और हमें लास्ट में भी क्या पढ़ना है, उत्प्रेरक पढ़ना है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को किस तरह प्रभावित करता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं सक्रियण ऊर्जा का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है, वो सारी बातें आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन सभी में सबसे पहली आपकी हेडिंग रहेगी, आप हेडिंग डाल दीजिएगा अभिक्रिया की दर। सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो आप लिख दीजिएगा अभिक्रिया की दर। पहले हम इसी को समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, लाइव क्लास इसी के लिए आपको दी गई है। अभिक्रिया की दर क्या होगी, है ना। तो अगर हम यहां से देखें बहुत ही सिंपल मीनिंग में, ये बताइए जो हम अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं, ये जो दर है इसको हम वेग भी तो कहते हैं, चाहे हम वेग बोलें या दर बोलें। अब थोड़ा सा मैं फिजिक्स के इसको फिजिक्स से इसको तुलना कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए फिजिक्स में कि वेग क्या होता है, वेग क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे विस्थापन, हम कहेंगे कि कुल वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन, या कहेंगे x बाई टी, हम ऐसा कहेंगे कुल विस्थापन, है ना। तो जो विस्थापन हुआ और समय अंतराल, समय अंतराल, ये हम यहां पे बात करेंगे, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन हम लेते हैं, ये गाड़ी होती है और ये गाड़ी अगर यहां तक चली, इसका विस्थापन x था तो ऐसा हुआ। अब अगर हम इसी की तुलना करें अपने केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जो इसका दर होगा, जो इसका दर होगा, तो वो हम अगर r से लिखते हैं तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे होता है कुल विस्थापन। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पे मूल बिंदु है, जीरो है, और यहां से यहां तक एक्स वन है दूरी, और यहां से लेकर यहां तक दूरी है एक्स टू। तो जो विस्थापन आएगा डेल्टा एक्स, वो आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये विस्थापन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कुल विस्थापन है, और कुल विस्थापन को मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, समय अंतराल। ये आपका होगा वेग। अब देखो यहाँ पे, अब अगर हमें इतना तो पहले से ही मालूम है, हमें इसको पढ़ना ही नहीं है। अब अगर आपको इतना पहले से मालूम है तो आपको इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा।
क्योंकि अपक्रिया में तो विस्थापन होगा नहीं, क्योंकि अपक्रिया तो चलेगी नहीं, तो अपक्रिया में परिवर्तन किसका होगा? कुल विस्थापन के स्थान पे हम यहां लिखेंगे सांद्रता में परिवर्तन। यहां पे क्या है, विस्थापन में परिवर्तन, कुल विस्थापन जो भी होगा, और यहां पे हम कहेंगे सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय अंतराल। यहां पे मैंने लगाया है मॉड, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर क्वांटिटी आएगी वो हमेशा प्लस में ही रहेगी, है ना, क्योंकि जो सांद्रता होगा, सांता जो आएगी वो हमेशा हमें प्लस में लेना है, सांता कभी निगेटिव नहीं होगी। जैसे दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, उसी प्रकार सांता में हम कहेंगे कभी ये निगेटिव नहीं होगा। अब देखिएगा, ये आपका हो गया दर, है ना। अब अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो अगर हम यहाँ पे परिभाषा बेग की क्या बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी बराबर वन कर दें, वन सेकेंड कर दें, तो हमारा बेग किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स के। और डेल्टा एक्स क्या है, कुल विस्थापन, या हम कहेंगे कुल विस्थापन में परिवर्तन। तो अगर वेग की परिभाषा कहेंगे तो कहेंगे एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में कुल विस्थापन जो तय करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। एकांक समय अंतराल में कुल विस्थापन जो तय करेगा वो उस गाड़ी का क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। अब अपनी केमिस्ट्री में अगर हम आ जाएं, यहां पर हम लोग लिखे डेल्टा टी बराबर वन सेकेंड, अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, एकांक समय अंतराल में कुल सांद्रता में परिवर्तन जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपक्रिया का वेग कहलाएगा। तो ये बात बहुत ही आसान है, तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा आपकी ये होगी, एकांक समय में किसी रासायनिक अपक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया की दर कहलाता है। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, एकांक समय अंतराल में अपक्रिया, हम कहेंगे अपक्रिया में सम्मिलित, यहां पे आप रासायनिक अपक्रिया ले सकते हैं, रासायनिक अपक्रिया में सम्मिलित उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, जो परिवर्तन होगा सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाएगा। और इसी को बेस मानकर हमने यहां पे एक फार्मूला दिया, ये फार्मूला आप लिखेंगे, सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे और ये आप डिफिनेशन हो जाएगी, और फिर आपको लिखना है ये आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और यहां पे आपको इसको बॉक्स में बंद कर लेना है। ओके, इसको आप इतना करिए जल्दी से, मैं ऊपर मिटा सकता हूं। इतना कर लीजिए, ओके तो आप नोट कर लिए होंगे, अगर मान ली किसी ने नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो जैसे मैं हटा करूं बोर्ड से, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जैसे मान लीजिए समय हमारा बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है, तो टाइम बर्बाद ना हो जिससे, है ना। तो जिनका नोट नहीं हो पाया होगा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं बार बार इसका इसका जो कंपैरिजन है वो मैं किससे कर रहा हूँ, फिजिक्स से कर रहा हूँ। तो आपको ये भी मालूम होगा कि फिजिक्स में मात्रक बहुत पूछे जाते हैं, ना एक नंबर में फिजिक्स में मात्रक आप देखते होंगे, मात्रक का कितना बड़ा खेल होता है ना फिजिक्स में। कोई सवाल हम अगर लगाते हैं तो मात्रक को देख कर पहचान जाते हैं कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, हमें क्या दिया है, मात्रक को देख के पता लगा लेते हैं कि हमें क्या दिया है, क्या निकालना है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में भी मात्रक का बहुत बड़ा खेल है। सवाल कोई भी हो, आईआईटी जेई का सवाल हो, आपके बोर्ड का सवाल हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा जब आपको मात्रक का ज्ञान होगा। तो अगर हम बात करें अब क्रिया की दर की, तो अभी मैंने पढ़ा आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, हमने यहाँ पे मॉड लगा लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे आर का मात्रक चाहिए, जैसे आपने बीमीय सूत्र में पढ़ा था, अगर मुझे इस साइड में आर का मात्रक चाहिए, तो अगर मुझे R का मात्रक चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, C का डेल्टा C का मात्रक लिखना पड़ेगा। और डेल्टा C क्या है, सांता में परिवर्तन। तो आपको मालूम है कि अगर सांता का मात्रक आपको मालूम है तो सांता में जब परिवर्तन होगा तो उसका भी मात्रक वही आएगा, है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। R का जो मात्रक आपका आएगा वो आएगा सांद्रता का मात्रक बटे समय अंतराल, समय का मात्रक। अब बात करें सांद्रता की, तो सांद्रता का मात्रक क्या होगा, तो आप जानते हैं सांद्रता के पदों में हमने पढ़ा था, बिलियन में हमने पढ़ा था, मोल अर्थात सारी चीजें। सांद्रता की जब बात आएगी तो हम इसको हमेशा याद रखेंगे मोल प्रति लीटर में, तो बिलय के मोल बटे बिलियन का कुल आयतन लीटर में, ये हम सांद्रता में रखेंगे। तो जो सांद्रता का मात्रक होगा हम कहेंगे वो होगा मोल प्रति लीटर। तो लिखूंगा मैं इसको, इसका मात्रक हो जाएगा मोल बटा लीटर, अब बटे में समय का मात्रक आप सभी को मालूम है और वो है सेकेंड। अब यहां से आर का मात्रक आपके सामने आने वाला है और वो मात्रक ये रहा मोल। अब देखो जब लीटर अगर बटे में मैं लिख सकता हूं, चलो मैं इसको लिख रहा हूं मोल बटे लीटर और बटे में सेकेंड भी है। अब ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपका जो आर का मात्रक है, आर क्या है, अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की जो दर है का मात्रक आपके सामने आ गया वो है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही आसान, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा मुझे लगता है, अगर नहीं हुआ मैं फिर से बता रहा हूं, अभी आप लोग थोड़ा सा नया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, किसी का माली स्पीड धीरे है तो कर लीजिए। तो बताने की जरूरत नहीं, जैसे मैं स्क्रीन से हट जाऊं तो जैसे मान लीजिए आप नोट करते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी जो है नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको दूंगा मैं। चलिए अब जैसे आप जानते हैं फिजिक्स में, जैसे हमने पढ़ लिया बेग, पढ़ लिया चाल, पढ़ लिया सारी चीजें, पढ़ ली त्रण, पढ़ लिया। अब हम लोग जब बेग पढ़ते हैं ना या त्रण पढ़ते हैं, तो जैसे हमने बेग पढ़ लिया तो बेग पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें क्या आता है बेग के प्रकार, है ना। तो आप जानते हैं ना औसत बेग, तात्क्षणिक बेग, तो इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं, हेडिंग डालिएगा अभिक्रिया के दर के प्रकार, अभिक्रिया के दर के प्रकार।
मैं फिर से बता दूं, दर बोलो या बेग बोलो बात एक ही है। तो अब क्रिया के दर के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे औसत दर या बेग, औसत दर या औसत बेग। इसको हम लोग एवरेज रेट कह सकते हैं। तो बिल्कुल बताने की आपको मुझे लगता नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि औसत का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए, अब मैं दोनों का अंतर यहीं पे बता रहा हूं। चलिए यहां पे देखिए, ये कोई मान लीजिए ये कोई कार है, पहले मैं फिक्स से रिलेट कर रहा हूं, ये कोई कार है और यहां पे ये कार चली जो है, ये कार टी बराबर समय जीरो पे चली और ये यहां पहुंची फर्स्ट पोजिशन पर और यहां पे समय बीत चुका है, वो 5 मिनट बीत चुका है। ये यहां पर 2-3 मिनट रुकी, तो मान लेते हैं ये 2 मिनट रुकी, मान लीजिए इसका वेग था 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पे ये 5 मिनट तक यहां जीरो पोजिशन से 1 पे गई और फिर यहां 2 मिनट रुकी, फिर ये आगे बढ़ी और फिर इसका जो वेग था वो था 30 किलोमीटर पर हावर और ये पॉइंट सेकेंड पे जाके रुकी और यहां से लेकर यहां तक इसने समय तय किया 3 मिनट। फिर ये यहां पे 2 मिनट फिर रुकी और फिर ये वापस आई 2 मिनट के बाद, फिर वापस यहां जाके रुकी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कार के द्वारा जो औसत वेग इसका है तो वो क्या आएगा, या हम तो आप क्या कहेंगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो विस्थापन तो जीरो हो जाएगा, आपको मालूम है कि अगर इस प्रकार जा रहा है, लेकिन अगर हम औसत चाल की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, तो अगर औसत चाल की बात करें तो आप क्या कहेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है वो आपको मालूम हो जाएगा और कुल समय कितना लगा, बस आपको जो इसकी औसत चाल है वो मिल जाएगी। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, तो आप अगर घर से साइकिल से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो रास्ते में आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। मान लीजिए आप जब घर से निकले थे, आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर आपकी स्पीड हुई 15, लेकिन फिर आपकी 9 हो गई। तो अगर मैं आप स्कूल पहुंच गए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी औसत चाल क्या थी, तो आप ना तो 9 बताएंगे, ना 15 बताएंगे, ना 10 बताएंगे। तो आप सबका क्या निकाल लेंगे, औसत, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसी प्रकार औसत दर या औसत वेग की अगर हम बात करें, औसत दर या औसत वेग की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी वही सेम चीजें होंगी। और यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी क्रिया है, तो मान लीजिए कोई क्रिया स्टार्ट हुई और वो समाप्त हुई, उसके बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए अब इसको मैं इसका केमिस्ट्री से रिलेशन इसका बना रहा हूं, और जैसे मान लीजिए ये आपकी क्रिया की प्रगति थी, आपकी क्रिया यहाँ पे थी और ये टी बराबर जीरो पे शुरू हुई, अभी इसकी स्पीड क्रिया की जो दर है, क्रिया का जो दर है या हम कहें वेग है, वो यहाँ पे x है या x1 है, यहाँ पे हो गया x2, ओके, बढ़ा घटा कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली जब ये यहाँ पर क्रिया समाप्त हुई तो हम ये नहीं देखेंगे कि देखिए यहाँ पे वेग x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, कितना भी परिवर्तन यहाँ पे हो सकता है, वेग में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो मैं कहूंगा टी बराबर जीरो से, मान लेते हैं टी बराबर 10 मिनट, तो हो सकता है आप क्रिया बीच में रुक भी गई हो, तो यहाँ पे क्रिया मान लेते हैं यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे क्रिया 2 मिनट के लिए रुक भी गई हो, तो अब क्रिया रुक गई लेकिन समय तो काउंट हो रहा है। तो जैसे मैंने इस कार की बात की, उसी प्रकार अब क्रिया की प्रगति की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कुल समय अंतराल देखा जाएगा और कुल शांता में परिवर्तन देखा जाएगा। तो वही सेम बात आपको बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम औसत दर या औसत वेग की अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पे एक लाइन में कहूंगा कि औसत दर या औसत वेग बराबर मैं कहूंगा डेल्टा सी, कुल शांता में परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, ये आपका होगा औसत वेग। तो थोड़ा सा नोट्स भी हमें प्रिपेयर करना है, आप ये लिखेंगे। इसके बाद एक चीज यहां पे आप देखिएगा, आपको यहां पे सिंबल दिखाना है, ये मैंने औसत दर आपको बता दिया, इसको लिखने के कई तरीके हैं, यहां पे समझिएगा।
हम यहाँ पे एक अपक्रिया मान लेंगे, अपक्रिया ए से पी, ये आपका है अभिकारक, इस साइड में जो होगा वो होगा आपका अभिकारक, और इधर जो होगा वो आपका होगा उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद से आप परिचित हैं। तो यहाँ पे देखिए औसत वेग तो हमने लिख दिया, औसत दर हमने लिख दिया, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे उस सिंबल हम यहाँ पे बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे वो सिंबल क्या होगा जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा, जब ये अपक्रिया यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये क्रिया जब होगी, अपक्रिया होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिया हो रही है तो अपक्रिया होने का मतलब क्या है कि वहां पे जो अभिकारक है वो खर्च हो रहा है और उत्पाद क्या हो रहा है वो बन रहा है। यहाँ उत्पाद बन रहा है अभिकारक, सॉरी उत्पाद बन रहा है अभिकारक खर्च हो रहा है, बात एक ही कहें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर अपक्रिया हो रही है तो अभिकारक खर्च होता है, यहाँ पे याद रखिएगा ये खर्च होगा और उत्पाद क्या होगा बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो जब हम अभिक्रिया की दर हमने इस प्रकार लिखा, इस प्रकार लिखा, प्लस माइनस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्लस बता रहा है कि वो बन रहा है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा, मैंने प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी किया तब भी वही मीनिंग है, माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी किया तब भी वही मीनिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है मॉड। लेकिन मैंने यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा अगर मैं इसको बताऊं तो प्लस माइनस लिखने का रीजन ये है कि अगर मैं लिखा प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी तो वो बताएगा उत्पाद के लिए। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं जो इसकी दर होगी अभिकारक की, मैं लिख रहा हूं अभिकारक की जो दर होगी आर वो होगी माइनस, माइनस में डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, ये बता रहा है कि ये खर्च हो रहा है, और जो उत्पाद के लिए होगा वो होगा प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे परिमाण में, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, माइनस और प्लस का चिन्ह हमें बताएगा कि एक खर्च हो रहा है और एक बन रहा है। इसी प्रकार मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर ये अभिकारक के लिए बात करें तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा, सॉरी अभिक्रिया एवरेज, देखो शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना होगा, बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, औसत दर को मैं लिखूंगा आर एवरेज, ये बराबर होगा माइनस में अगर हम बात करें, माइनस लगा दूंगा यहाँ पे डेल्टा, और यहाँ जो सांद्रता आपको ये मालूम है ना, अगर ये चिन्ह लगाते हैं किसको बताता है सांद्रता को बताता है ना, तो ये डेल्टा, ये मैं लिखा डेल्टा माइनस डेल्टा सांद्रता का ए अपॉन डेल्टा टी, और इसी प्रकार अगर मैं इसको बराबर लिख सकता हूं प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये आप अगर देखें शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो तो मैं इसको आगे लिख रहा हूं, ये आप लिख देंगे प्लस डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, तो ये दोनों बराबर। देखो ए जो है वो, ए मैंने यहां क्यों लिखा क्योंकि ये अभिकारक की बात हो रही है, पी मैंने क्यों लिखा क्योंकि ये किसकी बात हो रही है उत्पाद की बात हो रही है, तो अभिकारक खर्च होगा उत्पाद बनेगा, ये इसका मीनिंग है। तो इसको आपको सिंबल में लिखना आना चाहिए। मात्रक, अभी मैंने आपको मात्रक सिखाया, सांता का मात्रक मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकेंड, कुल मिला के हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मेरे पास 6 मिनट बचे हैं और इसमें मुझे एक सवाल भी आपको कराना है, जल्दी से करते हैं। इसका ग्राफ बताना है पहले, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अभी मैं थोड़ा सा एक दो दिन इस तरह चलने दीजिए और फिर टाइम और बढ़ाऊंगा मैं। थोड़ा सा हम ग्राफीय निरूपण को देख लेते हैं अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए, जल्दी से ग्राफीय निरूपण। ये जो भी मैंने आपको सिखाया इसका ग्राफ देखिए, पहले हम बात करेंगे अभिकारक के लिए। तो अभिकारक के लिए हम बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे उत्पाद के लिए। यहां पे मैं एक साथ ले रहा हूं,
तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप, मैंने यहाँ पे लिया है एक, मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखिए यहां पे हम ले रहे हैं y एक्सप्रेस सांद्रता और यहां पे ले रहे हैं समय अंतराल t, यहां पे सांद्रता समय अंतराल t। देखो मैंने यहां पे एक समय लिया, सॉरी यहां पे हमने समय लिया t1, यहां समय लिया t2, मान लेते हैं जो समय t1 था तो सांद्रता थी c1 और यहां पे सांद्रता थी c2। ओके या हम ऐसा कहें c1 c2, हाँ ओके। अभी आप इसको मत रखिएगा, देखो अभी मैं एक चीज सिखा रहा हूं आपको, अभी इसको बाद में रखेंगे। एक चीज यहां पे देखिए, यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो c1 है वो बड़ा है c2 से, मतलब c1 की सांद्रता ज्यादा है c2 की सांद्रता कम है, या ऐसा भी करें, ऐसा करेंगे c1 इज लेस देन, तो कोई भी एक मान लीजिए आप, चलो मैं यही मान लेता हूं c1 बड़ा है c2 से, यहां भी मान लेता हूं c1 बड़ा है c2 से। अब देखिए हमें ये मालूम है, समय अंतराल मैंने यहां लिख दिया t1 और t2, समझाने के लिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, t1 और t2 यहां पे मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहां पे हमें ये मालूम है कि जो अभिकारक के लिए जो सांद्रता में परिवर्तन आता है, सांद्रता में परिवर्तन आता है वो निगेटिव आता है, तो अगर ये निगेटिव आता है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, मैं पहले ग्राफ बना दे रहा हूं, कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होगा। और अगर मैं इसको समझाना चाहूं आपको ग्राफ को, तो देखो समय जब t1 था तो इसकी जो सांद्रता थी वो कितनी थी, मान लेते हैं c1 थी, c1 बड़ा है, यहाँ पे याद रखिएगा c1 बड़ा है, तो अगर समय अंतराल t1 है तो सांद्रता कितनी है इसकी c1, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये पॉइंट आपका मिला। और जब समय t2 था तो इसकी जो सांद्रता है वो हो गई आपकी c2। आप यहां देख रहे हैं जब समय आगे बढ़ रहा है तो सांता घट रही है, और सांता घटनी भी चाहिए क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, अभिकारक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा सी आएगा वो हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बराबर सी टू माइनस सी वन, और आपको मालूम है सी वन बड़ा है सी टू कम है, तो यदि ऐसा है तो ये कैसा मिलेगा हमको, निगेटिव में मिलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ के लिए आपको बता दिया। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें उत्पाद के लिए, जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ मिलेगा आपको, मैं बना रहा हूं आपको, ये इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा। अगर हम बात करें सी वन की, तो C1 पर आपको जो इसकी सांता है वो मिलेगी, मान लेते हैं कि इसकी सांता है C2, और T2 पर जो इसकी सांता है वो आपको यहाँ पे मान लेते हैं C1। यहाँ पे मैंने C1 ज्यादा लिया, C2 कम लिया, C1 ज्यादा है C2 कम है, लेकिन इसका ग्राफ देखिए उत्पाद में हमें क्या क्या उत्पाद के लिए हम क्या बात करेंगे कि देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसकी सांता भी बढ़ रही है। अभिकारक में देखिए समय बढ़ रहा है इसकी सांता घट रही है, समय बढ़ रहा है इसकी सांता, उत्पाद के लिए बात करें तो समय बढ़ रहा है इसकी सांता बढ़ रही है। तो अगर हम इसके लिए डेल्टा सी की बात करें तो लिखेंगे सी टू माइनस सी वन, लेकिन यहां पे आप देखिएगा हम एक चीज यहां पे देखेंगे, यहां पे सॉरी जब हम एक चीज याद रखिएगा, जब हम अंतर निकालते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, क्या करते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो पहले क्या था सी टू, बाद में क्या हुआ सी वन, यहां पर क्या था पहले क्या था, यहां पर पहले क्या था सी वन, बाद में क्या हुआ सी टू, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक ना, तो अंतिम यहाँ पे क्या था C2 माइनस प्रारंभिक कितना C1, C2 माइनस C1 कितना जाएगा ये निगेटिव। अगर उत्पाद की बात करें तो प्रारंभ में क्या है C2, अंत में क्या है C1, तो यहाँ पे हम करेंगे C1 माइनस C2, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये आपको सिखाया जाता है। तो C1 बड़ा है C2 छोटा है, तो हम कहेंगे इसका मान क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इतना नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा मैंने ग्राफ बनाया है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, और सवाल जो होंगे वो आपको कल कराए जाएंगे क्योंकि समय अभी समाप्त होने वाला है, तो सवाल हम कल करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए, कल आते पहले सवाल करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप में कुछ समझ नहीं आया हो तो बता दीजिए, चैट कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ।